दोस्तों नमस्कार, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में बात करेंगे मिथुन चक्रवर्ती की कुछ फ्लॉप और कुछ सुपरहिट फिल्मों के बारे में, जैसे कि परिवार। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म परिवार 1987 में आई थी। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, मीनाक्षी सादरी और कुछ बंदर और कुत्ते और कुछ बच्चों और शक्ति कपूर का कमाल था। इस फिल्म में कुछ पारिवारिक घटनाओं पर यह फिल्म थी। यह फिल्म सुपर डुपर हिट थी। इस फिल्म में बहुत अच्छे अच्छे गाने थे। उसके बाद यह अग्नि फिल्म 1988 में मिथुन चक्रवर्ती की आई थी। इसमें चंकी पांडे, अमृता सिंह, मिथुन चक्रवर्ती और इसमें खलनायक थे अनुपम खेर। यह फिल्म हिट थी, इसे हिट कहा जा सकता है, सेमी हिट थी, यह फिल्म हिट थी। दोस्तों उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती की एक और बहुत ही बेहतरीन फिल्म आई जिसका नाम है हिरासत। 1984 में यह फिल्म आई थी। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, इनके साथ शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी और अनीता राज थी। यह फिल्म सुपरहिट थी। यह फिल्म पुलिस विभाग पर दिखाई गई थी। दो भाई के प्रेम की कहानी थी। यह फिल्म भी सुपर डुपर हिट थी। इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा ने बहुत बेस्ट एक्टिंग की थी। हेमा मालिनी ने भी बेस्ट एक्टिंग की थी। मिथुन चक्रवर्ती जिसमें बहुत ही अच्छी एक्टिंग। उसके बाद आई थी इनकी बाजी। यह फिल्म भी 1984 में ही आई थी। यह फिल्म धर्मेंद्र, रेखा, मिथुन इसमें थे। यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप थी। इस फिल्म को फ्लॉप में रखा, जितना पैसा इस फिल्म में लगा था वह भी वसूल यह फिल्म नहीं कर पाई थी, इसलिए फिल्म को फ्लॉप में रखा गया है। जब 1984 में फिल्म आई थी, मिथुन चक्रवर्ती की एक और फिल्म आई थी जो काफ़ी अच्छी फिल्म कह सकते हैं। उस फिल्म का नाम था साजिश। यह 1988 में आई थी। इस फिल्म में बहुत से कलाकार थे, जैसे कि मिथुन चक्रवर्ती, डिंपल कपाडिया, राजकुमार, अमरीश पुरी, राज बब्बर, कादर खान, ऐसे बहुत से मजे हुए कलाकार थे। इसके बावजूद भी यह फिल्म एवरेज थी। जितना पैसा लगा था उसी के आसपास थोड़ा अधिक ही निकाल पाई थी। यह फिल्म एवरेज थी। यह फिल्म बहुत अच्छी नहीं थी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।